हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। थाना पूरनपुर क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान व मकान पर 30 जनवरी 2024 को डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो बदमाशों को घटना में प्रयुक्त की गई मारुति ब्रेजा कार डीवीआर एवं 3,50,000 रुपए सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। इन बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे अपना चार्ज लेने से पहले पहुंचे थे पीड़ित के घर और इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई थी। दिनांक 22 मार्च 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि पूरनपुर क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश दोबारा फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। माधोटांडा की तरफ से आ रही बिना नंबर प्लेट की काली मारुति ब्रेजा जिसमें यह बदमाश सवार थे पुलिस को देखकर भागने लगे और जब इनको लगा कि यह घिर गए हैं इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में न्यूनतम फायर करते हुए दोनों बदमाश रिजवान उर्फ बॉबी उर्फ मुल्ला पुत्र खैरती कुरैशी निवासी जनपद मुरादाबाद, दूसरा फरमान पुत्र हनीफ कुरैशी निवासी दासना गेट गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने गिरफ्तार करने वाली टीम थाना कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला और एसओजी प्रभारी सर्विलेंस प्रभारी सुनील कुमार शर्मा मई टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया है। देखिए 30 जनवरी को शाम के समय पूरनपुर कस्बे के बाहरी इलाके में वादी सुनील गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनके घर पर 5 लोगों ने मिलकर एक डकैती की घटना कारित की थी। जो इनके वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था उसका फुटेज थोड़ा ब्लर्ड था, लेकिन उसके आधार पर एक गाड़ी की पहचान हुई थी। उस गाड़ी को हमारे एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इत्यादि भेजकर जो भी इनके अपने कॉन्टैक्ट थे उस गाड़ी की पहचान कराई थी। तो ये हमें प्रारंभिक रूप से जानकारी हुई थी कि ये एक ब्रेजा गाड़ी है। हम लोगों ने कई और भी प्रयास किए थे कि कई और मॉडल हों या ना हो, फिर उसको हम लोगों ने कई जगह ट्रेस किया था। तो हम जो हमारे एसओजी और सर्विलांस प्रभारी हैं सुनील शर्मा, इनके नेतृत्व में कई सारी टीमें लगातार इसमें एक्टिव थी। जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है और इसमें बहुत वाइड रूप से हम लोगों ने हर जगह जो फुटेज थी हमारे पास उसको शेयर किया था, तो उसमें हमें एक जगह से ये इनपुट प्राप्त हुआ कि इस प्रकार का एक गैंग है जो इसमें हो सकता है। उसी पर हम लोग लगे हुए थे। उसी क्रम में आज सुबह लगभग 1 बजे 22 तारीख को थाना पूरनपुर क्षेत्र में इंस्पेक्टर पूरनपुर संजीव शुक्ला और जो हमारी एसओजी की टीमें हैं वो लगी हुई थी, तो ये सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार से वो जो घटना करने वाला गैंग है वो फिर से किसी इसी प्रकार की घटना को कारित करने के लिए या किसी अन्य कारण से वो इस क्षेत्र में फिर से एक्टिव हो सकता है। उनसे जब पुलिस ने उस रास्ते पर चेकिंग करना शुरू किया तो जो गाड़ी आती दिखाई दी तो उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जब पुलिस टीम पर फायर किया तो जवाबी जो कार्रवाई हुई उसमें रिजवान उर्फ बॉबी उर्फ मुल्ला पुत्र खैराती कुरैशी निवासी मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी चकसवार थाना स्वार जनपद रामपुर हाल निवासी मजार स्लॉटर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद और दूसरा फरमान पुत्र हनीफ कुरैशी निवासी मोहल्ला पीर जादगान थाना सरधना जिला मेरठ हाल निवासी डासना गेट जिला गाजियाबाद, इनको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रिजवान के दोनों पैरों में गोली लगी है, अभियुक्त फरमान के एक पैर में गोली लगी है। इनसे जो घटना में उपयुक्त बिना नंबर की एक ब्रेजा कार जो काले रंग की है वो दिखाइएगा जरा, ये मिली है। और इसके साथ ही घटना में जो डकैती में गए हुए 3.5 लाख रुपए जो जेवर बेच के प्राप्त हुए हैं, एक पिस्टल 32 बोर की और एक तमंचा ये प्राप्त हुआ है। इसके साथ जो घटना में डीवीआर गया था जो एक नंबरी आइटम है वो भी प्राप्त हुआ है। इन्होंने इनसे पूछताछ की गई है, इन्होंने अपने कुछ अन्य साथियों का भी नाम बताया है, उस पर भी हमारी कार्रवाई जारी है। इसमें जो रिजवान है इसने इस घटना का पूरा सूत्रधार यही है। इसके ऊपर 19 मुकदमे हैं, बरेली में है, बुलंदशहर में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है, बिजनौर में है, मेरठ में है, रामपुर में है, बाजपुर में है और सीएस एक्ट इत्यादि के भी मुकदमे हैं। अंतरजनपदीय अपराधी हैं। एक बड़ी सफलता पुलिस टीम ने प्राप्त की है और इसमें जो अन्य 3 अपराधियों का नाम हमारे पास आया है उस पर भी हम लोग पहले वेरीफाई करेंगे कि वही थे या नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करते हुए हम लोग इस घटना का संपूर्ण अनावरण 100% रिकवरी के साथ करने का प्रयास करें। चाहे मैं आपके माध्यम से 2-3 अपील और करना चाहूँगा। एक तो इनका जो घर है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, आसपास कोई घर या बस्ती नहीं है। जो आपके वहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे वो ब्लर्ड थे,
ये बड़े शातिर अपराधी हैं, इन्होंने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रेकी भी की होगी और ये पाया होगा कि इस प्रकार से ये एक अनसेफ घर है। जो पहले आपके वहाँ दरवाजा भी लगा हुआ था, जिस दरवाजे में उन्होंने हाथ डाल के अंदर से खोला था, उस दरवाजे में अंदर वो भी नहीं लगा हुआ था, जाली भी नहीं लगी हुई थी, कोई भी चाहता तो वो स्टील के दरवाजे में हाथ डाल के अंदर से खोल सकता था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो उन लोगों ने ऑब्जर्व की होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि इसके कारण किया हो। सीसीटीवी इसमें मेन चीज़ है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी आपसे अपील करना चाहूँगा कि सीसीटीवी की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पावर बैकअप, जितने भी हमारे व्यापारी बंद बहुत अच्छे से अच्छा नाइट विजन सीसीटीवी, मोशन सेंसर अलार्म या कुछ कुछ चीज़ें जरूर लगा के रखें। और इवन डैश कैम भी आजकल गाड़ी में आता है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ पैसे लेके जा रहे हैं तो डैश कैम भी लगाएं। जी धन्यवाद।